हाय गाइस, क्या आप लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं? जैसे वेडिंग या फैमिली फंक्शंस में आजकल इंडो वेस्टर्न स्टाइल का बड़ा ट्रेंड है, या स्मार्टफोन्स खरीदना हो तो ट्रिपल कैमरा वाले फोन्स का चलन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले भी मार्केट ट्रेंड्स यानी कि ट्रेंड लाइंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आई एम स्मिथ ठक्कर एंड दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे आपको मार्केट के ट्रेंड में अप टू डेट रखती है। ट्रेंड लाइंस एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। दीज आर द लाइंस ड्रॉन बिटवीन टू और मोर स्विंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट और स्टॉक प्राइसेस। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को ही स्विंग पॉइंट्स कहते हैं। ट्रेंड लाइंस से आपको पता चल सकता है कि स्टॉक प्राइसेस अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग। जनरली ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस के एंगल को किसी भी ट्रेंड के स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में हायर डिग्री ऑफ एंगल से इंटरप्रेट होता है कि डिमांड हाई है एंड द रिजल्ट विल बी हायर प्राइसेस। चलिए हम परसिस्टेंट सिस्टम के चार्ट पे इसका एग्जांपल देखते हैं। जब हम दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के अपस्विंग को कनेक्ट करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट कि पॉजिटिव स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनती है, यानी डिमांड हाई है और प्राइस आगे भी राइज करेंगे। अगर आप प्राइस चार्ट्स को और आगे स्क्रॉल करके देखोगे तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली लोअर डिग्री ऑफ एंगल से इंप्लाई होता है कि डिमांड लो है, विच मींस लोअर प्राइस इंक्रीज। नाउ डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में हायर डिग्री ऑफ एंगल से इंटरप्रेट होता है कि सप्लाई हाई है एंड द रिजल्ट विल बी फॉलिंग प्राइसेस। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के प्राइस चार्ट्स पर अगर हम जनवरी 2022 से शुरू करके सितंबर 2022 तक के डाउन स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड बनता है। इससे ये पता चलता है कि प्राइसेस के और नीचे गिरने के चांसेस है। इट इज ऑलवेज बेटर कि हायर टाइम फ्रेम्स में ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो। इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजीली आइडेंटिफाई अप कर सकते हो और उससे ज्यादा रिलायबल वो बन जाता है। ट्रेंड लाइंस पे ट्रेडिंग ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं, ब्रेकआउट्स एंड बाउंसेस। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स उन प्राइस मूवमेंट्स को डिनोट करते हैं जो ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हैं। अगर प्राइसेस एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को राइज करते हुए ब्रीच करते हैं तो उस ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को स्टॉक प्राइस ने ब्रीच करके ब्रेकआउट दिया। अब बाउंसेस को समझ लेते हैं। इन एंड अप ट्रेंड द ट्रेंड लाइंस आर प्लॉटेड बाय जॉइनिंग स्विंग लोस। इसमें जब भी प्राइस अप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगा, स्विंग हाइस को ज्वाइन करते हुए एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ट्रेंड लाइन बाउंसेस उस टाइम को डिनोट करते हैं जब प्राइसेस ट्रेंड लाइन को टच करके अगेन अपने ओरिजिनल ट्रेंड के डायरेक्शन में वापस आ जाता है। हमने इसके पहले परसिस्टेंट सिस्टम का ये जो एग्जाम्पल देखा उसमें ये सारे पॉइंट्स बाउंसेस थे। ऑल्दो ट्रेंड लाइंस एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस टूल है, अगर इसको दूसरे टूल्स जैसे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक्सटेंशंस के साथ यूज किया जाए तो ट्रेडर्स के लिए एनालिसिस करने में सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई होप आज के वीडियो में आपको ट्रेंड लाइंस के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में जरूर यूज करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आवर वीडियो सीरीज एस्प्रेसो बूटकैंप। Tell us what you thought of this video in the comment section below. Like, comment, and subscribe. See you with another topic from the fascinating world of stocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.